नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2019 में आपका स्वागत है। इन्वायरमेंट के रिवीजन का ये हमारा सिक्स्थ लेक्चर है। इस वीडियो में हम नवंबर महीने के इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप पॉलिटिकल साइंस कोर्स और मेंस बूस्टर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो video.onlyis.in पर जाके। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप सेंड कर सकते हो onlyissales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ देखो आप टेलीग्राम चैनल के अलावा अपनी जो वेबसाइट है onlyis.in, फिर से बोलता हूँ onlyis.in, इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड पे क्लिक करके सारी रिवीजन वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इस वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल सोयल बायोडाइवर्सिटी एटलस के बारे में है। आप पहले मेरे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सोयल बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? सोयल बायोडाइवर्सिटी, सोयल बायोडाइवर्सिटी भी छोड़िए, आप सिंपल ये बताइए बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है। देखो बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मतलब है इट इज वेराइटी ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके जीन्स, इवन इकोसिस्टम जिसका ये सब पार्ट है। अब देखो सोयल और जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपस में इंटरलिंक है। सोयल की फॉर्मेशन में आपको पता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी का योगदान होता है, प्लांट्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, इनका योगदान होता है सोयल की फॉर्मेशन में। और बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन आप प्लांट का एग्जाम्पल ले सकते हो, प्लांट्स के फलने फूलने में सोयल का एक अहम योगदान है। कहने का एसेंस ये है बायोडाइवर्सिटी और सोयल आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो ये पूरी टर्म जो है सोयल बायोडाइवर्सिटी, इट रिफ्लेक्ट्स द मिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन सोयल। यानी सिंपल टर्म में आप कह सकते हो सोयल बायोडाइवर्सिटी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मिक्स होना सोयल के अंदर। अब हम जानते हैं ग्लोबल सोयल बायोडाइवर्सिटी एटलस का क्या मतलब है। देखो इस ग्लोबल सोयल बायोडाइवर्सिटी एटलस में इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, फिगर्स हैं और इन सब चीज़ों की सहायता से पॉलिसी मेकर्स को, एक्सपर्ट्स को, हमारे जैसे जनरल रीडर्स को ये बताने की कोशिश की जा रही है सोयल बायोलॉजी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये है ग्लोबल सोयल बायोडाइवर्सिटी एटलस, इसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। इस एटलस में देखो एक रिस्क इंडेक्स भी है, किस देश में सोयल बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा नुकसान है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं सोयल बायोडाइवर्सिटी को। फैक्टर्स की हम बात करें, थ्रेट फ्रॉम लॉस ऑफ अबव ग्राउंड बायोडाइवर्सिटी, यानी ग्राउंड के ऊपर जो डाइवर्सिटी है उसको आजकल नुकसान पहुंच रहा है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। इसके अलावा पोल्यूशन, न्यूट्रिएंट ओवरलोडिंग, ओवरग्रेजिंग, इंटेंस एग्रीकल्चर, फायर, सोयल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है सोयल बायोडाइवर्सिटी को। इंडिया उन देशों की श्रेणी में शामिल है जहाँ पर सोयल बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट लेवल का खतरा झेल रही है। इंडिया के अलावा पाकिस्तान, चाइना, अफ्रीका के कई कंट्रीज़, यूरोप और इवन नॉर्थ अमेरिका के देश, फॉर एग्जांपल यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ये देश भी उन देशों की श्रेणी में शामिल हैं जहां पर सोयल बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा खतरा है। ये जो फाइंडिंग है वो एक साल में दो बार रिलीज होने वाली लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 का पार्ट है। देखो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक तो ग्लोबल सोयल बायोडाइवर्सिटी एटलस प्रिपेयर की गई है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, इस ग्लोबल सोयल बायोडाइवर्सिटी एटलस में जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो एक साल में दो बार रिलीज होने वाली लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट का पार्ट है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन गवर्नमेंट ने एक 5 ईयर नेशनल एक्शन प्लान टू कंजर्व हैबिटेट्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स रिलीज किया है। देखो बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स हर एक साल सर्दियों के सीजन में रशिया के साइबेरिया से इंडिया में आते भी हैं
और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसे भी हैं जो साउथ अफ्रीका जाते वक्त या फिर कुछ दूसरे देश जाते वक्त टेम्प्रेरी रूप से इंडिया में रुकते भी हैं, जैसे अमूर फाल्कोन के बारे में 3-4 दिन पहले हमने डिस्कस किया था। तो उन्हीं माइग्रेटरी बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए सरकार ये 5 साल का एक नेशनल एक्शन प्लान लेकर आई है। 2018 से स्टार्ट होकर 2023 तक चलेगा ये एक्शन प्लान। इस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा विभिन्न स्टेट्स के बीच, ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है उसे कंजर्व किया जा सके। देखो, फ्लाईवे एक टर्म होती है। माइग्रेटरी बर्ड्स जिस पाथ का इस्तेमाल करते हैं माइग्रेशन के लिए, उस पाथ को कहा जाता है फ्लाईवे। मान लीजिए कोई बर्ड है, अमूर फाल्कन मान लीजिए, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की सर्दियों के सीजन में रशिया के साइबेरिया से, इंडिया में रुका कुछ समय के लिए, साउथ अफ्रीका में रहा, बाद में फिर से लौट गया रशिया में, तो एक एनुअल साइकिल जो पूरा हो जाता है वो उसका फ्लाईवे बन जाता है बर्ड का, समझ गए। तो इंडिया जो है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंदर आता है। पूरे वर्ल्ड में 9 फ्लाईवेज हैं और इंडिया आता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंतर्गत। ना सिर्फ इंडिया बल्कि 30 से ज़्यादा देश आते हैं CAF के अंतर्गत, मतलब सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंतर्गत। समझ गए ना फ्लाईवे का मतलब क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। माइग्रेटरी बर्ड्स के द्वारा एक एनुअल साइकिल के दौरान जिस पाथ का इस्तेमाल किया जाता है माइग्रेशन के लिए, तो वो कहलाता है फ्लाईवे। पूरे वर्ल्ड में 9 फ्लाईवेज हैं और इंडिया आता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंतर्गत। तो ये पूरा आर्टिकल था नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। होगा क्या इस प्रोजेक्ट में? देखो, पूरे वर्ल्ड में वो सारे एनिमल्स, प्लांट्स, फंगल स्पीसीज जिनके बारे में हमें पता है, जो नॉन हैं, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, उन सब के DNA को रीड किया जाएगा। उन सब के जीनोम की सीक्वेंसिंग होगी। जीनोम का सिंपल मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जीन्स के बारे में आपने सुना होगा, आपका नाक कैसा होगा, आँखों का रंग कैसा होगा, वो सब आपके जीन्स पर डिपेंड करता है। तो जीनोम का सिंपल मतलब है कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के सभी जीन्स का कंप्लीट सेट होता है जीनोम। तो ऑलमोस्ट 1,500,000 एनिमल्स, प्लांट्स और फंगल स्पीसीज की जीनोम की सीक्वेंसिंग होगी आने वाले 10 सालों में। और इस पर खर्चा आएगा $4.7 बिलियन। बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा पीटाबाइट में। जैसे देखो गीगाबाइट, उसके बाद आता है टेराबाइट और उसके बाद आता है पेटाबाइट। तो पेटाबाइट में डेटा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि 1,500,000 एनिमल्स, प्लांट्स और फंगल स्पीसीज के जीनोम की सीक्वेंसिंग होनी है। अभी ऑलमोस्ट 19 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने साइन अप कर लिया है, हामी भर दी है, हम इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। फंडिंग के लिए जगह जगह पर कॉन्फ्रेंसिस ऑर्गेनाइज की जा रही हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को फंड किया जा सके। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, यूकैरियोटिक स्पीसीज जो हैं वर्ल्ड में, उनके DNA की सीक्वेंसिंग होगी, उनके जीनोम की सीक्वेंसिंग होगी। आपको पता है 2 प्रकार की स्पीसीज होती हैं, प्रोकैरियोटिक स्पीसीज और यूकैरियोटिक स्पीसीज। यूकैरियोटिक स्पीसीज में क्या होता है, इन ऑर्गेनिजम्स के सेल में एक न्यूक्लियस होता है और जिसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, जबकि ये एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक स्पीसीज में। तो यूकैरियोटिक स्पीसीज में सारे एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, फंगाई आ जाते हैं, प्रोटोजोआ आ जाता है, कुछ बैक्टीरिया या फिर आर्किया को छोड़ के बाकी सब कुछ आ जाता है। तो याद रखिएगा अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट। UPSC सिंपल से सिंपल और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ सकती है। सिंपल क्वेश्चन जैसे इंडिया का प्रोजेक्ट है ये? नहीं, इंडिया का प्रोजेक्ट नहीं है। होगा क्या इसमें? यूं पूछ सकती है, क्या प्रोकैरियोटिक स्पीसीज के जीनोम की सिक्वेंसिंग होगी? नहीं, यूकैरियोटिक स्पीसीज के जीनोम की सिक्वेंसिंग होगी। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट ऑफ ओजोन लेयर से संबंधित है। UN की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है ओजोन लेयर से संबंधित। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसको डिस्कस करने से पहले हम ओजोन लेयर से संबंधित जो बेसिक्स हैं उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन लेयर और सूर्य की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट किरणों को अर्थ पे आने से रोकती है। अगर
वो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेज अर्थ पर आ जाएं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी तरह के स्किन रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं। अब देखो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म। इन सब प्रोडक्ट्स की वजह से जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही थी। तो इसी वजह से 1987 में विभिन्न कंट्रीज ने एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है इन प्रोडक्ट्स को फेस आउट किया जाए 2030 तक। क्योंकि देखो इस प्रकार से इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल चलता रहा तो ओजोन लेयर तो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगी और जो अल्ट्रा वायलेंट रेज हैं वो धरती पर आना स्टार्ट हो जाएंगी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काफी तरह की डिजीज हो जाएंगे। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। अभी आर्टिकल का कंटेक्स्ट ये है कि साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि अब क्लोरीन के कंपाउंड जो है वो धीरे धीरे फेज आउट हो रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद, इसलिए पहले जिस रेट से ओजोन डिप्लीट हो रही थी अब उस रेट से डिप्लीट नहीं हो रही, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला है। अब एक बार हम पूरी प्रोसेस देख लेते हैं किस प्रकार से जो सीएफसीज हैं वो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। देखो ओजोन लेयर O3 से मिलकर बनी है। ये सीएफसीज जो है अल्ट्रा वायलेंट रेज जब सीएफसीज से टकराती है तो क्लोरीन जो है वो अलग हो जाता है सीएफसीज से, उसके बाद क्लोरीन रिएक्शन करता है O3 से, O3 और क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो एक ऑक्सीजन एटम को तोड़ देता है क्लोरीन, बच जाता है O2 और ClO। अब देखो एक फ्री ऑक्सीजन एटम फिर से ClO के साथ रिएक्शन करता है, Cl अलग हो जाता है और जो फ्री ऑक्सीजन एटम ClO के साथ रिएक्शन करता है उसमें O2 अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, फिर ये Cl यानी क्लोरीन अलग से दोबारा से फिर O3 के साथ रिएक्शन करेगा, फिर से वही होगा O2 बन जाएगा ClO बन जाएगा, ClO के साथ एक फ्री ऑक्सीजन एटम आएगा रिएक्शन करेगा Cl बन जाएगा O2 बन जाएगा, फिर से क्लोरीन O3 के साथ रिएक्शन करेगा, इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये क्लोरीन के कंपाउंड्स जो हैं वो काफी ज्यादा हार्मफुल हैं। तो इस प्रकार से हमने ओजोन लेयर के बारे में बेसिक्स को रिवाइज किया। ये सब बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे 6 जनवरी 2018 के डिस्कशन में। अब हम बात करते हैं UN की अभी जो रिपोर्ट रिलीज हुई है स्टेट ऑफ ओजोन लेयर के बारे में। देखो अच्छी खबर देखने को मिल रही है UN की जो रिपोर्ट रिलीज हुई है ओजोन लेयर के बारे में। UN की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को जो बैन किया गया था उसका अब अच्छा असर देखने को मिला है और 1980s में ओजोन लेयर में जो गैप क्रिएट हो गया है, मान लीजिए ये अर्थ है ऊपर ये ओजोन लेयर है, कई जगह पे ओजोन लेयर पतली हो गई या फिर फट गई, अब वहाँ पे ओजोन लेयर फिर से इमर्ज होने लगी है यानी हील होने लगी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये अर्थ है और 1980 में कंडीशन ऐसी थी इस एरिया में ओजोन लेयर था ही नहीं, खाली पोर्शन था, तो अब क्या हो रहा है धीरे धीरे यहाँ पे भी ओजोन लेयर आने लगी है। पहले जो डैमेज हो गया था ओजोन लेयर को वो डैमेज अब धीरे धीरे भर रहा है। तो कहा यह जा रहा है 2030 के आसपास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपर जो ओजोन लेयर है पूरी तरह से हील हो जाएगी, पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगी, लेकिन अंटार्कटिक में ओजोन लेयर जो फटी हुई है वो पूरी तरह से रिस्टोर नहीं होगी 2060 तक, समझ गए ना, यानी 2030 तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगी, लेकिन अंटार्कटिक ओशन के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसको रिस्टोर होने में अभी समय लगेगा, वहां पर ओजोन लेयर रिस्टोर होगी 2060 के आसपास तक। तो ये हमने काफी डिटेल से समझा स्टेट ऑफ ओजोन लेयर के बारे में। चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल फर्स्ट डेडिकेटेड हॉस्पिटल फॉर एलिफेंट्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में फरा ब्लॉक में देश का पहला डेडिकेटेड हॉस्पिटल ओपन हुआ है हाथियों के लिए। ये थोड़ा देखो आश्चर्यजनक है, अगर हमने नहीं पढ़ा है ऑप्शंस में साउथ इंडिया का कोई स्टेट है, कर्नाटक है, नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट है, तो हमारा फोकस यूपी की तरफ कम ही जाएगा क्योंकि यूपी में साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट की अपेक्षाकृत कम हाथी हैं, लेकिन हाथियों के लिए पहला डेडिकेटेड हॉस्पिटल खुला है मथुरा में। इस हॉस्पिटल में देखो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल वायरलेस डिजिटल एक्सरे, लेजर ट्रीटमेंट, डेंटल एक्सरे फैसिलिटीज़। इस जंबो हॉस्पिटल को ओपन किया गया है उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एक एनजीओ है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ SOS, इन दोनों अथॉरिटीज़ ने मिलकर फर्स्ट जंबो हॉस्पिटल को ओपन किया है मथुरा में। हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्वेशन एरिया भी है जहाँ पर रात भर हाथी को मॉनिटर किया जा सकता है,
क्लोज सर्किट इंफ्रारेड सीसीटीवी कैमरास की सहायता से। इस जंबो हॉस्पिटल में उन हाथियों का इलाज हो सकेगा जो किसी एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं या फिर बीमार हैं या फिर बूढ़े हो गए हैं। तो याद रखिएगा, पहला डेडिकेटेड हॉस्पिटल हाथियों के लिए कहाँ खुला है? मथुरा में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हिमालयन रीजन में इंडियन हॉर्न फ्रॉग्स की नई स्पीशीज़ की डिस्कवरी के बारे में है। हॉर्न फ्रॉग्स, देखो, वो फ्रॉग्स होते हैं जिनकी पलकों के ऊपर इस प्रकार का सींग का टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है हॉर्न फ्रॉग्स, यानी सींग वाले मेंढक। अभी कंटेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालयन रीजन है वहाँ से सींग वाले मेंढकों की चार नई स्पीशीज़ का पता लगा है। कौन कौन सी हैं ये चार नई स्पीशीज़ सींग वाले मेंढकों की? गारो वाइट लिप्ड हॉर्न फ्रॉग, येलो स्पॉटेड वाइट लिप्ड हॉर्न फ्रॉग, जायंट हिमालयन हॉर्न फ्रॉग और हिमालयन हॉर्न फ्रॉग, ये चार नई स्पीशीज़ हैं सींग वाले मेंढकों की। 14 साल लगे रिसर्च करने में नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन आयरलैंड, इसके अलावा नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम यूके, इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस के बायोलॉजिस्ट ने 14 साल तक रिसर्च की नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तब जाके सींग वाले मेंढकों की इन चार नई स्पीसीज का पता लगा है। अगर यूपीएससी पूछती है रिसेंटली सींग वाले मेंढकों की चार नई स्पीसीज का पता लगा कहाँ पे, कौन से रीजन में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, या फिर ऑप्शंस इस प्रकार के भी बनाए जा सकते हैं, ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट के दो राज्य मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के हिमालयन रीजन में इन स्पीसीज का पता लगा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में है। ये देखो एक स्टेचरी बॉडी है, यानी पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया है। कौन सा एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है ये बॉडी? ये बॉडी काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। काम क्या है इस बॉडी का? काम इस बॉडी का ये है, हमारे देश में जो ऑर्गेनाइज्ड वे में वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं उनसे लड़ना। काफ़ी बार आपने देखा होगा जो पोचर्स होते हैं, पूरा सिंडिकेट होता है, कई लोग जंगल में जाके शिकार करते हैं राइनो का या फिर टाइगर का, उनकी खाल निकालते हैं और उनको बेचने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ये पूरा गैंग बहुत ज़्यादा सिंडिकेट वे में काम करता है। तो इस प्रकार के क्राइम्स से निपटना काम है इस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें या फिर स्पेसिफिक फंक्शंस की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड वे में जो वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं उनके बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करना और वो इंटेलिजेंस पहुंचाना सभी स्टेट्स को और दूसरी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, ताकि वो जल्द से जल्द उन क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर सकें जो वाइल्ड लाइफ क्राइम जैसी एक्टिविटीज़ में संलिप्त हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक इस्टाब्लिश करना। उस डेटा बैंक में सारी इन्फॉर्मेशन होगी वाइल्ड लाइफ क्राइम से संबंधित, कहाँ पर किस जंगल में कितने क्राइम्स हुए थे, कितने पकड़े गए, कितने एनिमल्स को मारा गया, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक जगह पे इकट्ठा करना, ताकि पैटर्न का पता लगाया जा सके, ट्रेंड का पता लगाया जा सके और बेहतर रूप से अथॉरिटीज़ अपने आप को तैयार कर सकें कैसे वाइल्ड लाइफ क्राइम से निपटा जा सकता है। ये ब्यूरो वैसे कोऑर्डिनेशन भी इस्टाब्लिश करता है विभिन्न अथॉरिटीज़ के बीच, ताकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के जो प्रोविजंस हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम से संबंधित उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। अभी फिलहाल ये ब्यूरो कंटेक्ट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट अवार्ड दिया गया है इस ब्यूरो को अच्छे काम के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सर्वे ऑन बायोडाइवर्सिटी इन अंडमान एंड निकोबार के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया के आइलैंड्स में फोनल डाइवर्सिटी के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। फोनल का मतलब होता है रिलेटेड टू एनिमल्स। देखो, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर रीजन। दूसरी तरफ फोना का मतलब होता है एनिमल्स रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर रीजन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोनल डाइवर्सिटी की, ना कि फ्लोरा डाइवर्सिटी की, एनिमल्स की डाइवर्सिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। खास बात देखो ये है, ये पहली बार है कि अंडमान और निकोबार
आइलैंड में फोनल डाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट किया गया है। और इस रिपोर्ट में एक बात ये पता लगी है, अंडमान और निकोबार का हमारे देश में एरिया सिर्फ 0.25% है, लेकिन फोनल डाइवर्सिटी यहाँ पर हमारे देश की ऑलमोस्ट 10% है। सोच के देखिए, एरिया सिर्फ 0.25%, लेकिन हमारे देश की फोनल डाइवर्सिटी यानी एनिमल्स रिलेटेड डाइवर्सिटी यहाँ पर है 10% के आसपास। 1067 एनिमल्स की स्पीसीज तो ऐसी हैं, यानी 1067 एनिमल की स्पीसीज ऐसी हैं जो सिर्फ यहीं पर मिलती हैं नेचुरली। अब पकड़ के कहीं और ले जाएं, चिड़ियाघर में रख लें, वो बात अलग है, लेकिन 1067 ऐसी एनिमल्स की स्पीसीज है जो यहाँ पर मिलती है सिर्फ और सिर्फ नेचुरली। एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं काफ़ी सारी एंडेमिक स्पीसीज की, याद रखने की आपको वैसे आवश्यकता है नहीं। नारकोडम, हॉर्नबिल, निकोबार, मेगापोड, निकोबार ट्री श्रू, लॉन्ग टेल्ड निकोबार मैकोक, और सबसे लास्ट में अंडमान डे गेको। ये कुछ एनिमल्स की स्पीसीज हैं जो नेचुरली सिर्फ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मिलती हैं, कहीं और नहीं मिलती। रीज़न वैसे देखो ये है, मेनलैंड से काफ़ी दूर है, आइसोलेटेड है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। आइसोलेट होने की वजह से यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2014 में भी और 2017 में भी, मतलब पिछले 3-4 सालों में 3-4 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकी है इंडियन ओशन में जो आइलैंड्स हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 10 डिग्री चैनल कौन से दो आइलैंड्स को डिवाइड करता है? अंडमान निकोबार, निकोबार एंड सुमात्रा, मालदीव एंड लक्षद्वीप, सुमात्रा एंड जावा, बताइए। ये देखो, ऊपर अंडमान आइलैंड है और नीचे निकोबार आइलैंड्स हैं और बीच में है ये 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार को आपस में डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था 2014 में। जितने भी आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन रीजन में, उन पर आप ध्यान से नजर जरूर डालिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हैरियर बर्ड्स के बारे में है। हैरियर बर्ड्स एक माइग्रेटरी रैप्टर स्पीसीज है। रैप्टर स्पीसीज क्या होती है? रैप्टर स्पीसीज देखो वो स्पीसीज होती हैं जो शिकार करती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ईगल यानी चील, या फिर वल्चर, गिद्ध, ये बर्ड्स की स्पीसीज शिकार करती हैं, रेप्टाइल्स का यानी रेंगने वाले जानवरों का या फिर छोटे बर्ड्स का। अभी कंटेक्स्ट ये है कि पहले बहुत सारे हैरियर बर्ड्स इंडिया में आते थे, लेकिन आज के समय में बहुत कम हैरियर बर्ड्स इंडिया में आते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि कंट्री के जो ग्रासलैंड्स हैं वो खतरे में हैं। अगर ग्रासलैंड्स ज़्यादा होते तो वहाँ पे रेप्टाइल्स ज़्यादा होते या फिर छोटे बर्ड्स ज़्यादा होते तो ये हैरियर बर्ड्स भी ज़्यादा आते, लेकिन चूंकि कंट्री के ग्रासलैंड्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो उसी हिसाब से, उसी प्रपोर्शन से इंडिया में आने वाले हैरियर बर्ड्स की जो संख्या है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। और ये सामने आया अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के 2 रिसर्चर्स की रिपोर्ट में। आगे थोड़ी और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रूस्टिंग साइट है। रूस्टिंग साइट का मतलब जहां पर ये हैरियर बर्ड्स बैठते हैं, बैठने का अड्डा आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हो। तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रूस्टिंग साइट है वर्ल्ड में पैलिड हैरियर्स और मोंटागू हैरियर्स के लिए। और रिसेंट रिपोर्ट्स हाईलाइट करती हैं कि जो संख्या है इन बर्ड्स की वो कम हो रही हैं। वैसे तो ये जनरल ट्रेंड है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस की बात करें तो आंध्र प्रदेश में रोलापाडू बस्टर्ड सेंचुरी है कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इन हैरियर बर्ड्स की संख्या पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी लेकिन आजकल काफ़ी कम हुई है। इसके अलावा बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स एरिया में हिसर घाटा, वहाँ पर वेस्टर्न मार्स हैरियर बर्ड्स की संख्या पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी लेकिन आजकल वेस्टर्न मार्स हैरियर की संख्या में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और रीजन वही, एक तो जैसे ग्रासलैंड्स में कमी आई है इंडिया में, उसके अलावा एक रीज़न रिसर्च में ये भी बताया जाता है, हो सकता है कि खेतों में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है और इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है रूस्टिंग साइट्स के आसपास, यानी जहाँ पर ये हैरियर बर्ड्स बैठते हैं उनका बैठने का जो स्थान होता है उसके आसपास पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से भी वो अब यहाँ आना कम प्रेफर करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हैरियर बर्ड्स के बारे में। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल CVF वर्चुअल क्लाइमेट समिट के बारे में है, यानी क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम वर्चुअल क्लाइमेट समिट। पहले हम CVF के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं,
ताकि ये आर्टिकल हमको आसानी से समझ में आए। क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है उन देशों की जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। देखो, वर्ल्ड में बहुत से देश ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मालदीव, मार्शल आइलैंड्स, फिलीपींस, बांग्लादेश, होंडुरस, ये आइलैंड कंट्रीज या फिर कोस्टल कंट्रीज ऐसे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, सी लेवल राइज होगा, समुद्र में पानी का जो जल स्तर है वो इंक्रीज होगा, तो ये कंट्रीज तो डूब ही जाएंगे। तो इस वजह से ये देश एक साथ आए हैं वर्ल्ड में जागरूकता फैलाई जा सके कि भैया कैसे ना कैसे करके आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ग्लोबल वार्मिंग होती है हमारा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स और रीजन्स के कंट्रीज मेंबर हैं इस फोरम के, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन, लैटिन अमरीका, पैसिफिक रीजन। पहली मीटिंग देखो इस फोरम की ऑर्गेनाइज हुई थी मालदीव में 2009 में, और लास्ट मीटिंग कब हुई, जब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन हुआ था, यानी UNFCCC क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जब पेरिस में हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, उस समय लास्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम की। उस मीटिंग में देखो दो चीज़ें हुई थी, एक तो मनीला पेरिस डिक्लेरेशन साइन हुई थी। क्या था मनीला पेरिस डिक्लेरेशन में, कॉमन कंसर्न्स व्यक्त किए गए थे, क्लाइमेट वल्नरेबल जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने कॉमन कंसर्न व्यक्त किए थे ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट, और एक प्रकार से आह्वान किया गया था वर्ल्ड के विभिन्न कंट्रीज से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमिशंस को कम कीजिए, और पेरिस क्लाइमेट चेंज में आपने जो वॉलंटरी कमिटमेंट की है उसे भी बढ़ाइए ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो। दूसरी चीज़ ये की गई थी उस लास्ट मीटिंग में 2016 से लेकर 2018 के बीच रोड मैप क्या होगा क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम का, उसे भी अडॉप्ट किया गया। चेयरमैनशिप जो है इस फोरम की वो रोटेट करती रहती है। सबसे पहले जब इस फोरम की मीटिंग हुई थी तो चेयरमैनशिप थी मालदीव के पास, उसके बाद आई किरीबाती, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद कोस्टा रिका, फिलीपींस, इथोपिया, और अब है रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स के पास। तो इस प्रकार से हमने क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम के बारे में तो जान लिया, अब हम जानते हैं क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम वर्चुअल क्लाइमेट समिट के बारे में। ये सिंपल देखो क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम का एक समिट ही है, तो आपके दिमाग में ये आया होगा फिर वर्चुअल वर्ल्ड क्यों ऐड हो गया, अगर समिट ही है तो वर्चुअल वर्ल्ड क्यों ऐड किया गया है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये समिट ऑनलाइन ऑर्गेनाइज हो रहा है। आमतौर पर जो भी पॉलिटिकल समिट्स होते हैं उन समिट्स में लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, डेलीगेट्स, स्टेक होल्डर्स फिजिकली मौजूद होते हैं, लेकिन ये पहला पॉलिटिकल समिट है जिसमें लीडर्स डायरेक्टली समिट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्योंकि देखो उद्देश्य तो क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम का यही है ना, एमिशंस को कम करना ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो। अब एक जगह पे समिट ऑर्गेनाइज होता है, मान लीजिए इस बार जो चेयरमैनशिप है वो रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स के पास है, तो मार्शल आइलैंड्स में ये समिट ऑर्गेनाइज होता, विभिन्न देशों के जो लीडर्स हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम के, वो पार्टिसिपेट करते, इससे भी तो एमिशंस बढ़ता है ना, लीडर्स अपना अपना प्लेन लेके आते वापस जाते, एमिशंस तो होता ही है। तो इस बार इन्होंने सोचा क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम वालों ने ऑनलाइन ही ऑर्गेनाइज कर लेते हैं समिट, काफ़ी सारा फायदा हो जाएगा और हमारा जो काज है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना उस डायरेक्शन में भी ये एक सिंबॉलिक जेस्चर होगा। तो इस समिट में आह्वान किया गया सभी कंट्रीज से कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में आपने जो कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट को आप और ज़्यादा एम्बिशियस बनाइए। कोशिश वर्ल्ड के सभी कंट्रीज को ये करनी चाहिए कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, मतलब प्री इंडस्ट्रियल इरा में अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़ जाए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए वर्ल्ड के सभी कंट्रीज को। हाल ही में आपको याद होगा IPCC की रिपोर्ट भी जारी हुई थी, उस रिपोर्ट में बताया गया था अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ता है तो कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कैसे विनाशकारी परिणाम निकल सकते हैं, और अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ता है तो क्या विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ये सब चीज़ें बताई गई IPCC रिपोर्ट में जो हाल ही में रिलीज हुई थी कुछ समय पहले। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल होग डियर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है,
रिसेंटली देखो कुछ रिसर्चर्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया मणिपुर के किबुल लामजो नेशनल पार्क में भी छोटी सी पॉपुलेशन है होग डियर की। किबुल लामजो नेशनल पार्क के बारे में आपको याद होगा हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन पहले डिस्कस किया था। बताइए किस लिए इम्पोर्टेंट है किबुल लामजो नेशनल पार्क? ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, लोकतक लेक में जो फुमडी है, फुमडी के ऊपर है ये नेशनल पार्क और फ्लोटिंग है, लोकतक लेक में फ्लोट कर रहा है। हमने ये भी डिस्कस किया था संगई जो कि स्टेट एनिमल है मणिपुर का, जिसे डांसिंग डियर के रूप में भी जाना जाता है, वो मिलता है यहाँ पर किबुल लामजो नेशनल पार्क में। नेचुरल हैबिटेट संगई का यहीं पर है, लेकिन आज हमारा फोकस है होग डियर पर। कुछ रिसर्चर्स ने कहा है होग डियर की छोटी सी पॉपुलेशन इस नेशनल पार्क में भी है, किबुल लामजो नेशनल पार्क। होग डियर की देखो दो रेसेस हैं, एक वेस्टर्न रेस और एक ईस्टर्न रेस। वेस्टर्न रेस कहाँ पे मिलती है? पाकिस्तान, इंडिया में हिमालयस की तलहटी में, फॉर एग्जांपल पंजाब में और अरुणाचल प्रदेश में भी। लेकिन ईस्टर्न रेस जो मिलती है होग डियर की, वो मिलती है कंबोडिया में, लाओस में। पहले देखो ये विश्वास किया जाता था होग डियर की वेस्टर्न रेस थाईलैंड तक मिलती है, थाईलैंड के वेस्ट में नहीं मिलती। लेकिन अब चूंकि रिसर्चर्स ने कहा है होग डियर की वेस्टर्न रेस की छोटी सी पॉपुलेशन मणिपुर के किबुल लामजो नेशनल पार्क में भी रिपोर्ट की गई है, तो इसका मतलब ये हुआ होग डियर की जो वेस्टर्न रेस है उसकी वेस्टर्न लिमिट थाईलैंड नहीं है बल्कि मणिपुर है। फिर से बोलता हूँ, पहले देखो ये विश्वास किया जाता था कंबोडिया, लाओस ये सब देश आएंगे, जब तक थाईलैंड आएगा वेस्ट में तब तक तो होग डियर मिलेगा, लेकिन थाईलैंड के और ज़्यादा वेस्ट में आप जाओगे होग डियर मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अब तो मणिपुर के किबुल लामजो नेशनल पार्क में होग डियर रिपोर्ट किया गया है, तो इसका मतलब होग डियर की वेस्टर्न रेस की जो लिमिट है वो थाईलैंड नहीं है, वो मणिपुर है। ये हमने कंटेक्स्ट डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन की। होग डियर की पॉपुलेशन देखो बहुत ज़्यादा कम हुई है पिछले कुछ समय में। कंबोडिया में वेस्टर्न रेस के होग डियर 250 से भी कम हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं होग डियर, और इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया होग डियर के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देश के पहले ओल फेस्टिवल के बारे में है, यानी देश का पहला उल्लू फेस्टिवल कहाँ पर होगा? पुणे में पुरंदर तालुका है, वहाँ पर पिंगोरी विलेज में ये फेस्टिवल होगा। 2 दिनों के इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा इला फाउंडेशन के द्वारा। इला फाउंडेशन देखो एक NGO है जो कि प्रकृति के बारे में एजुकेशन स्प्रेड करता है और प्रकृति को कैसे कंजर्व किया जाए इस दिशा में काम करता है। तो ये NGO इन्फॉर्मेशन देगा उल्लुओं को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। ये अपनी तरह का पहला फेस्टिवल है हमारे देश में। उल्लुओं के साथ देखो काफ़ी प्रकार का अंधविश्वास जुड़ा है। हमारे देश में उल्लुओं की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, इनका इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक मैजिक परपजेज के लिए, यानी तोड़ा टोटका में उल्लुओं का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 262 स्पीसीज हैं उल्लुओं की, जिनमें से 75 जो हैं वो रेड डेटा बुक में आती हैं, यानी वो थ्रेटेंड हैं इंसान के कारण। क्योंकि देखो उल्लुओं को 2 चीज़ों से खतरा है, एक तो उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, दूसरा अंधविश्वास। दोनों चीज़ें कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? दोनों चीज़ों की वजह है इंसान। तो इला फाउंडेशन जो इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रही है, वो फाउंडेशन, वो NGO जानकारी देगा, जागरूक करेगा लोगों को कि जो अंधविश्वास है उल्लुओं के बारे में वो अंधविश्वास गलत है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पहले उल्लू फेस्टिवल के बारे में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।